एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। देश का भविष्य डूब रहा कीचड़ में। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। मामला है ग्राम पंचायत सल्फा का, जहां परिस्थितियां बदतर है। विकास के नाम पर यहां खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, मानव कागजों में सीमित है। यहाँ के गांव की गलियां आज से ही नहीं 15 से 20 सालों से विकास की राह देख रही है। छोटे छोटे बच्चों को गंदे पानियों से गुजर कर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे बच्चों के बीमार होने का डर भी बना रहता है। इस ओर न किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान है, न किसी जनप्रतिनिधि का। मैं एनटीवी टाइम से ग्राम पंचायत सल्फा के आश्रित ग्राम भकरीडी में देखिए यहाँ का नज़ारा, जो कि पानी भरा हुआ है और बच्चे लोग इन्हीं रोड से पैदल जाते हैं। आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होते हैं। आइए बच्चे लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं कि उनको कितना परेशानी होता है इस सड़क से गुजरने में। इस रोड के बारे में ग्राम पंचायत ने कुछ प्रस्ताव किए कि नहीं। यह है ग्राम भकरीडी, यहीं बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, यहीं बारिश पानी के चलते। ये अभी एक महीने से पानी यहाँ साफ नहीं हो रहा है, नाली में पानी है। आइए गांव के कुछ नागरिक लोग यहाँ पे बैठे हुए, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि सड़क के बारे में अपने ग्राम पंचायत ने कुछ प्रस्ताव किए हैं कि नहीं, और सरपंच पंच लोगों से कुछ इसके बारे में बोले हैं कि नहीं। आइए उन लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सड़क के बारे में कुछ दिक्कत है, अब भाई लोग कोई साहब ऑफिसर भी नहीं सुनते हैं, तो आके थोड़ा जाँच करें हैं, और बाद में भाई इसको बनाया जाए, गांव के समस्या को हल किया जाए। ठीक है, देखिए, और करीबन 4-6 महीने से यहाँ खुदाई हुआ था हेडपम्प लगने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ पाइप बस बिछा है और जो बोर का काम है वो खुदाई भी हो चुका है, लेकिन अभी तक घर में किसी भी घर में अभी पानी नहीं गया है। उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। बाबा, ये रोड खुदाई हो रही थी, बाद अभी तक नल कनेक्शन घरों घर नहीं पहुँचे, एक बारे में कुछ शिकायत करे हो? नहीं पहुँचे, शिकायत करे रहे हम जाके सीएम तो हाँ ठीक है भाई, हम उनको सामान को उनको जब्ती करेंगे कही, और अभी तक कुछ नहीं कर पाई। अब हमारे गाँव में धन बने उखाड़ के ले जाए, नहीं तो यहाँ बहुत विवाद हो है। एक बात दूसरा बात सुनो बाबू।